वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ज़राअत की बहाली के लिए बड़े किसान पैकेज का ऐलान कर दिया। सैलाब से मुतासर किसानों को 1800 अरब रुपये के कर्जे दिए जाएंगे। इस्तेमाल शुदा ट्रैक्टर इम्पोर्ट करने की इजाज़त होगी। ज़रई बिजली और DAP खाद की बोरी 2500 रुपये सस्ती मिलेगी। इस मार्च के अंदर खून ही खून, मौत ही मौत और जनाजे जनाजे नजर आ रहे हैं। हकीकी आजादी या इंतशार मार्च, खदशात हकीकत का रूप धारने लगे। फैसल वावडा के दावे और अली अमीन गंडापुर की ऑडियो के बाद एक और बयान ने खतरे की घंटी बजा दी। खैबर पख्तूनख्वा के सूबाई वजीर कामरान बंगश का बंदूकों के साथ मार्च में शिरकत का एतराफ, कहते हैं असलहे समेत शहर इक्तदार में आएंगे। इमरान खान ने इनकलाब नहीं खूनी मार्च का एतराफ कर लिया है। वजीर इत्तला'आत मरियम औरंगजेब कहती हैं अपनी कुर्सी के लिए तौसी की ऑफर की तो इलेक्शन का ऐलान क्यों नहीं किया। कंटेनर खान सुन लो, इलेक्शन और इक्तदार गाली और बंदूकों से नहीं मिलेगा। इमरान खान के कंटेनर की जब्तगी और मार्च रुकने का खौफ। PTI सरकार ने खातून रिपोर्टर सदफ नईम के वर्सा से कानूनी कार्रवाई का हक छीन लिया। असलम इकबाल ने सदफ के वर्सा पर दबाव डाला। थाने में पहले से लिखे हुए बयान पर जबरदस्ती दस्तखत करवाए। सदफ के शौहर और भाई के अंगूठे लगवाए। और सीनियर सहाफी अरशद शरीफ के कत्ल की तहकीकात, लाहौर हाई कोर्ट के साबिक जज अब्दुल शकूर पराचा की सरबराही में 3 रुकनी इंक्वायरी कमीशन बनाने का फैसला। FIA इंक्वायरी कमीशन को सेक्रेटेरिएट सपोर्ट देगा। कमीशन 30 रोज में रिपोर्ट मुकम्मल करके पेश करेगा।